हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं सॉल्टेड पॉपकॉर्न। तो हम ये पॉपकॉर्न कुकर में बनाने वाले हैं, आप किसी बड़ी सी कढ़ाई में भी बना सकते हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्न पॉप हो तो आपको ऐसे कॉर्न यूज़ करने पड़ेंगे जिसमें जो वाइट पोर्शन रहता है वो कम से कम होना चाहिए। मैंने ये ऑनलाइन खरीदी है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस को लो फ्लेम पे रखा है। कुकर में 2 चम्मच ऑयल डालेंगे ऑयल थोड़ा सा गर्म होने के बाद उसमें डालेंगे हम बटर। बटर से टेस्ट अच्छा आता है, अगर बटर नहीं है और नहीं डाला तो भी चलेगा। जब बटर पूरा मेल्ट हो जाएगा उसमें हम डालेंगे कॉर्न। अब हम इसे ऐसे ही थोड़ी देर के लिए स्टिर करते रहेंगे। हमें उतना ऑयल और बटर रखना है जिसमें कि सारे कॉर्न डूब जाए। उसके बाद उसमें डालेंगे नमक स्वादानुसार। थोड़ी सी हल्दी पाउडर और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम गैस को मीडियम फ्लेम पे करेंगे। हमें कुकर की सीटी एंड रिंग निकाल के रखनी है। 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि ये पॉप होना शुरू हो गया है, तो हम इसे अभी ढक के रख देते हैं। जब तक पॉप होने की आवाज़ आ रही है हम लोग उसे वैसे ही रख देते हैं। जैसे ये आवाज़ आनी बंद होती है हम इसे धीरे से ओपन करके देखेंगे। अब ये हो चुके हैं, खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं।